देश और सनातन धर्म भी बेकार हो जाता है। आहार का कुपोषण होगा तो केवल शरीर बेकार होगा, आहार का कुपोषण होगा तो केवल शरीर ही बेकार हुआ, पर संस्कार विहीन संस्कारों से परे संस्कारों का विहीन व्यक्ति जिसके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है वो भी एक कुपोषण ही है। अगर संस्कार हमारे भीतर नहीं है तो वो भी एक कुपोषण है। आहार का कुपोषण व्यक्ति के शरीर को बेकार करता है और संस्कार विहीन व्यक्ति संस्कार नहीं है वो भी कुपोषण में लिप्त है। वो भी कुपोषण में लिप्त है तो वो समाज को और देश को प्रदेश को भी बर्बाद कर देता है। बच्चों को जमीन दो अपनी जगह पर है, बच्चों को प्रॉपर्टी दो अपनी जगह पर है, बच्चों को आप अपना गोल्ड दीजिए अपनी जगह पर है। बड़े बेटे को ये प्लाट दे दिया, छोटे को वो मकान दे दिया, बड़े को वो दे दिया, छोटे को ये दे दिया, बेटी को ये दे दिया, बेटे को ये दे दिया, ये अपनी जगह पर है। हो सकता है तुमने जो जमीन दी है, हो सकता है तुमने जो प्रॉपर्टी दी है, हो सकता है तुमने जो जायदाद दी है वो थोड़े दिन में चली जाए, उसके हाथ में नहीं रहे। कहीं बच्चे ने शेयर मार्केट खेल लिया, कहीं डब्बा खेल लिया, कहीं वायदा खेल लिया, कहीं गलत संगत में बैठ गया, चले गया। प्रॉपर्टी जा सकती है, गाड़ी बिक सकती है, प्लाट जा सकता है, जेवर चोरी हो सकता है, पर आपने अगर अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार अगर उसमें है तो ना जाने कितनी गाड़ी और कितने प्लाट और कितने मकानों का वो ढेर लगा सकता है। गाड़ी दो ना दो चलेगा, प्रॉपर्टी दो ना दो चलेगा, गोल्ड दो ना दो चलेगा, पर संस्कार विहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ, उसकी कोई मूलता नहीं। अगर उसमें संस्कार होंगे, उसमें अगर लक्षण होंगे, उसमें अगर सभ्यता होगी, उसमें अगर करुणता होगी, उसमें अगर प्रेम होगा, उसमें वात्सल्यता होगी, उसमें अगर स्नेह होगा, उसमें अगर करुणता होगी, और वो संस्कारों के जल से अगर सिंचित किया गया होगा तो ये निश्चित है कि वो एक ना एक दिन वापिस हरा भरा हो जाएगा और वापिस उसके पास सब कुछ आ जाएगा। अगर संस्कारों से लिप्त है, संस्कारों में सना हुआ है तो संस्कारों में अगर वो रमा हुआ है, संस्कारों में लिप्त है, संस्कारों का जल उसको मिल रहा है तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कपड़े की एक गारंटी होती है कि ये इतने महीने में बेकार हो सकता है या इतने महीना ठीक रह सकता है। सीमेंट की गारंटी होती है कि इतने महीना इतना साल ये टिके। लोहे की गारंटी हो सकती है कि इतना साल ये कंपनी का लोहा सरिया टिक सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, सीमेंट है, सरिया है, लकड़ी है, कुर्सी है, टेबल है, बहुत सारी चीजों की गारंटी लिखित में कोई दे देता है कि दो साल की, तीन साल की, नल लगवाया इसकी भी गारंटी है, पर थोड़े समय की। पाइप की गारंटी एक आध दो साल की, कपड़े की गारंटी थोड़े दिन की, जूता की गारंटी थोड़े दिन की, चप्पल की गारंटी थोड़े दिन की,
चश्मे की फ्रेम की गारंटी थोड़े दिन की, चश्मे की ग्लास की गारंटी थोड़े दिन की, ये सब गारंटियां थोड़े दिन की होती है। परशु महापुराण में भगवान शंकर की कथा कहती है कि अपने अच्छे कर्म की जो गारंटी होती है वो पूरी जिंदगी की होती है, कि अच्छे कर्म का फल व्यक्ति को मिलता जरूर है। अच्छे कर्म का जो फल है वो व्यक्ति को मिलेगा जरूर। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा देर हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जरूर। आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका फल, उसकी गारंटी है। कपड़े की गारंटी थोड़े दिन की है, प्लास्टिक की गारंटी थोड़े दिन की है, कुर्सी की, टेबल की, सब चीज की गारंटियां थोड़े दिन की है, थोड़े। पर अपना कर्म यदि श्रेष्ठ है, अपना कर्म यदि अच्छा है तो उसकी गारंटी बहुत है, परमानेंट। प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, शिक्षावान को कोई शिक्षा दे दी, किसी बीमार को औषधि दे दी, किसी का हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ लिए, किसी का आपने सहयोग प्रदान कर दिया, उसका जो गारंटी है, जो अच्छे कर्म की गारंटी है, वो आपके जीवन में हमेशा मिलेगी। मिला, माता पार्वती जी का चरित्र कहता है, माँ पार्वती जी का संवाद कहता है। साउंड में मिठास बिल्कुल नहीं है, उसको थोड़ा सेट तो करो, कम से कम दो दिन हो गए बोलते। कलकत्ता में कहा था आपको, कलकत्ता में वर्णन किया था कि पार्वती जी ने एक पुण्य कर दिया। पार्वती जी ने वैसे तो तप करा, साधना करी, आराधना करी, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, सब कुछ करा, पर माता पार्वती जी ने एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको मगर घड़ियाल उसको खा रहा है, और पार्वती जी अपना 1000 वर्ष का पुण्य देने को तैयार हो गई उस बच्चे के लिए। कितना समय लगता है, कोई तुमसे कह दे कि तुमने 16 सोमवार करें, 16 सोमवार करने में कोई ऐसे ही हो गए क्या 16 सोमवार? जरा पूछो किसी माँ से, किसी बेटी से, किसी भाई से, कि उसके 16 सोमवार उसने कैसे करे होंगे। कुछ खाना ना पीना, थूक भी नहीं निकल सकते, सवेरे से लेकर शाम तक इंतजार करना, शाम के समय शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना, फिर वो प्रसाद का जो हिस्सा आप लोग बनाते हो, शिव जी को समर्पित करते हो, चाहे बेलपत्र मिश्री या वो चूरमा, मलिदा बोलते हो, चूरमा बोलते हो, जो भी हो, बाबा को चढ़ाकर फिर उसको पाना है। कोई कोई भगवान के पंचामृत से करता है, कोई मिश्री से करता है, कोई बेलपत्र से करता है, कोई चूरमा से करता है, ये पशु जैसे आप लोगों की इच्छा होती है वैसे आप लोग 16 सोमवार करते हो। और जिसने करे होंगे ना उसको मालूम होगा, और आप में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीजी मेरी ऐसी बैठी होगी जिसने 16 सोमवार करे होंगे, करे आप लोगों ने किसी ने? अरे बहुत सारे बैठे हो, रखो 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 रखो। अब उनसे अगर कोई पूछे कि जीजी तुमने 16 सोमवार करे तो कैसे करे, उसने कितना कितना बल लगाया। जरा उससे पूछा जाए, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, पति का पूरा काम करना है, टिफिन तैयार करना है, सास को संभालना है, ससुर को संभालना है, देवर जेठ को संभालना है, पूरा परिवार संभालते संभालते फिर उसको अपने व्रत में ही उसको ये सब काम करना है, और व्रत में ही ना कुछ खाया ना पिया, सुबह से भूखी प्यासी, और सारा बच्चों को संभाले, घर को संभाले, कुटुंब को संभाले, संभालते संभालते शाम को पूजन की थाली लगाकर पूजन करना, किताब पढ़ना, पोथी पढ़ना, पोथी पढ़कर फिर थोड़ा सा भाग लेकर फिर भगवान का विसर्जन करना। जरा विचार करिए, उसका पूरा दिन उसने पूर्ण तरह से समर्पण में लगा दिया। और कोई उससे कह दे कि तुमने 16 सोमवार के व्रत करें, तुम्हारे वो 16 सोमवार के व्रत का पूरा फल हमको दे दो, तो कोई जीजी से पूछे? परंतु दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो अपना फल किसी को दे दे, पर केवल एक घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ,
घर की महिला, घर की नारी, घर की स्त्री एक ऐसी होती है जो 16 सोमवार का व्रत अपने लिए नहीं करती, अपने बच्चों या अपने पति के लिए या परिवार के लिए करती है। हमने कभी भी किसी भी, हमने कई जीजियों से पूछा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करियो? हाँ। किसके लिए करियो? व्रत तुमने करा है, फल अपने पति के लिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनके यहाँ ऐसी तकलीफ थी ना गुरुजी, थोड़ा टेंशन आ गया था ना गुरुजी, इसलिए हमने ये व्रत हमारे पति के लिए करा। बेटे का थोड़ा काम अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, तो हमने 16 सोमवार का व्रत कर लिया। हमने कहा जीजी तूने कभी अपने लिए व्रत करा? नारी जो कुछ भी है अपने जीवन में, व्रत तप साधना जो कुछ भी करती है वो हमेशा अपने लिए नहीं करती। एक स्त्री जो कुछ भी व्रत करती है, साधना करती है, वो अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने इष्ट को, जो भी उसके पति हैं, उसके परिवार वाले हैं, उसके कुटुंब वाले हैं, उनको देने के लिए करती है, अपने लिए नहीं जिए वो। उसने जो दिया सबके लिए, और आज भी पशुपतिनाथ का अगर व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, पशुपतिनाथ का अगर व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, मेरी जीजियां कर रही हैं, तो वो अपने लिए नहीं कर रही, वो पशुपतिनाथ का व्रत भी वो दूसरे के लिए कर रही। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। एक स्त्री, एक नारी व्रत साधना भी कर रही है तो दूसरों के लिए कर रही, अपने लिए नहीं कर रही है। जो व्रत का फल मिला वो दूसरे के लिए। क्यों शिव प्रसन्न होते हैं? किस लिए भगवान देवदत्त महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? पार्वती जी ने हजार वर्ष तक तप किया, शिव प्रसन्न नहीं हुए, पर पार्वती ने एक अच्छा काम कर दिया, एक बच्चे के प्राण को बचा लिया, तो शंकर प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न। यहाँ इतने आस्था चैनल पर लाखों करोड़ों लोग शिवपुराण की कथा को सुन रहे हैं, जितनी शिवपुराण की कथा लोग बड़े पंडाल में सुनते हैं वहाँ बैठकर, उनको ये कथा पंडाल में बैठकर सुनने को नहीं मिल रही है, तो वो भी चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं। लाखों में लोग अपने मोबाइल पर और करोड़ों में लोग आस्था चैनल के उस टीवी चैनल पर, करोड़ों सिम सुन रहे हैं, करोड़ों भक्त। कोई थोड़ा बहुत नहीं है, करोड़ों में गिनती में। एक घर में कितने लोग रहते हैं जम के बोलो जरा? चार मान लो अपन, पांच मान लो अपन, घर में चार पांच लोग रहते हैं, टीवी चल रही है, चार पांच लोगों के कानों में शब्द गया, और मान लो एक करोड़ लोग ने टीवी चालू कर रखी है और उसमें से पांच लोग के कानों में शब्द गया, तो कितने करोड़ों के कानों में चले गए? पांच करोड़ के कानों। और ये कई करोड़ लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कई करो। कथा पंडाल में नहीं मिल रही तो वो अपने अपने मोबाइल पर अपने अपने भाव से श्रवण कर रहे हैं। और एक
माँ जिसने सावन की कथाओं का नियम लिया है वो तो एक बाहर वो आई हुई कथा में चलते हैं, भक्त कथा में चलते हैं, आई हुई है कहीं से कथा में, उसका नियम रहा है कथा सुनने का। तो एक बैठी इस चौराहे से भी आगे वाले चौराहे पर, वो अपना मोबाइल ऐसे सामने रखी है, अपना बैग पास में, और एक छपरे के नीचे बैठकर अपनी कथा का रसपान कर रही है। नियम है। जब हमारे बच्चों ने हमको बताया तो हमने उनसे कहा कि उसको बोलो कि अपने घर चले जाओ, आगे जब नया रायपुर में कथा है 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिवस ही, 1 बजे से 4 बजे तक, तब उसको सुनना। कहा नहीं, कथा राजनांदगांव में हो रही है तो हम राजनांदगांव में ही सुनेंगे, हम वहीं बैठ के सुनेंगे। कितना भाव है लोगों का, विश्वास के साथ लोग कथा श्रवण करते, और विश्वास के साथ कथा सुनते हैं तभी तो ये विश्वास फलता। एक पत्र देखिए, मेरा नाम नीलिमा तिवारी है, मेरी माँ कुसुम तिवारी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ, कहीं बैठी हैं नीलिमा तिवारी, आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मैं माँ तिला दो अजाब एक बेल पत्र ले जाना। मेरी माँ कुसुम तिवारी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, राजनांदगांव के। मेरी माँ बार बार बीमार पड़ती थी, हम सब भाई बहनों ने सोचा कि माँ की बीमारी का पता तो लगाएं, आखिर तकलीफ क्या है। तभी हम लोगों ने राजनांदगांव के डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराने को कहा। उसके बाद सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई, तब डॉक्टर ने मम्मी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन बताया, तब डॉक्टर ने रायपुर के लिए हमको रिफ़र कर दिया। हम रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में लेकर पहुँचे, वहाँ के डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मम्मी का रिपोर्ट देखा और फिर बहुत सारी जांचें करी। जब बहुत सारी जांचें करी तब उनको थर्ड स्टेज का कैंसर बताया गया। जब थर्ड स्टेज का कैंसर बताया, डॉक्टरों ने इलाज चालू करा, पर माँ की हालत और ज़्यादा ढील होते चली गई, ठीक नहीं हो पा रही। डॉक्टरों ने कहा कि अब हमको लगता है कि ये थर्ड स्टेज का कैंसर नहीं, ये फोर्थ स्टेज का कैंसर है, इनकी सेवा ही बस बची है, वो कर सकते हो। इलाज में बहुत देरी हो गई है, अब ये संभल पाना बहुत कठिन है। डॉक्टरों ने कह दिया कि थोड़ी सी दवाई ले लो और इनकी सेवा करो, इनको घर ले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, टीवी पर हमने हॉस्पिटल की नर्स के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी, और मोबाइल पर ही कथा सुनते सुनते हम अपने घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हम हमारी माँ को लेकर कुबेरेश्वर धाम चले गए, वहाँ कंकर शंकर की पूजन करी, एक रुद्राक्ष लिया उसको लेकर आ गए, तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को चढ़ाते और वो पानी अपनी माँ को देते। धीरे धीरे एक बेलपत्र अपनी मम्मी को खाने के लिए दे देते। हमारी माँ को जब हम बेलपत्र देते उसको मंदिर तक ले जाके नंदी के पास बिठा देते और वहीं पर हम शंकर का चढ़ा हुआ जल अपनी माँ को पिला देते। ऐसा करते करते डॉक्टर ने तो 2-3 महीने का बोला था, पर ऐसा करते करते जब हम 1 महीने तक रेगुलर शिवजी का चढ़ा हुआ जल देने लगे, फिर हम इनको वापिस लेकर हॉस्पिटल रायपुर पहुंच गए और हमने कहा, हमने सुना है कि रुद्राक्ष का फल मिलता है, बेलपत्र का फल मिलता है, शिव पर चढ़े हुए जल का फल मिलता है। डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट और निकाली है। हमने हमारी माँ की दूसरी रिपोर्ट फिर डॉक्टरों के माध्यम से उसी हॉस्पिटल में निकलवाना प्रारंभ करी और 19 जून 2023 को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी माता को कैंसर नहीं है और रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास जब हमारे भीतर होता है। नाम है नीलिमा तिवारी, माँ है कुसुम तिवारी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। विश्वास अपने भीतर जागृत करना। जब हमारे भीतर एक भरोसा, एक विश्वास जागृत हो जाता है, तब हमें शिव को ढूंढना नहीं पड़ता, शिव हमको ढूंढते हैं।
हमारा भरोसा कितना प्रबल है। हम कहें ये चारों जजमान परिवार, चाहे वो चंद्रशेखर पिल्ले जी हों, श्री अनिल शुक्ला जी हों, परमेश्वर सिन्हा जी हों, सीताराम गौरी शंकर जी खंडेलवाल जी हों, ये सार भी चारों जजमान परिवार को हम कहना चाहेंगे, अपने घर जाकर भगवान को और अपने पूर्वजों को और अपने पितरों को धन्यवाद जरूर देना कि आपका पुण्य आज हाथ में आ गया और आप श्रावण के महीने के आप यजमान बने, आपका पुण्य आपके सामने आ गया। कोई अच्छा कर्म हमारे सम्मुख में आ जाता है, हम नहीं जान पाते कि वो अच्छा कर्म कौन सा है, हम नहीं पहचान पाते कि हमारा अच्छा कर्म कौन सा है। शिव कथा कहती है दो शब्द हैं, एक डर के रहना और दूसरा है डटे रहना। जम के बोलो जरा, दोनों शब्द बोल के बताओ कौन कौन सा है। डर के रहना और डटे रहना। अब कोई तुमसे कह रहा है हट रहा है कुर्सी से, डर गए तो बोलो बोलो जम के बोलो, डर गए तो मर। अब वो कह रहा हट रहा है कुर्सी से, अब तुम डटे हो, नहीं हट रहा नहीं। दो शब्द हैं, एक डर कर रहना और दूसरा डटे रहना। डर कर कभी अपनी जिंदगी को मत जियो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं सीए नहीं बन पाऊंगा, मैं कमिश्नर नहीं बन पाऊंगा, मैं कलेक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, मेरी दुकान नहीं चल पाएगी, मेरी दुकान ऐसी रह जाएगी, मैं कभी मकान नहीं बना पाऊंगा, मैं कभी गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। ये डर की जिंदगी है तुम्हारी जो तुम जीना चाह रहे हो, पर शिव पुराण कहती है डर में जीवन नहीं है, डटे रहने में जीवन है कि डटे रहोगे तो एक दिन उन्नति पर पहुंच जाओ। डटे रहो। किसी ने आंख दिखा दी, कोई ने कह दिया जा तेरे पिताजी के घर में, यहां रहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सोच लेना हाथ पैर तोड़ दूं तेरे, यहां नहीं रहेगी, अपने बाप के घर चले जा। और वो दम से कह दे मेरे पिताजी ने मेरा कन्यादान करके मुझे यहाँ भेज दिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो यहीं रहूंगी, कोई मुझे हिला के बता दे। बस इतना शब्द तुम्हारा निकल गया, इतनी में तो आधे तो वैसे ही डर गए कि डट गई है, तो डरी नहीं है। लोग क्या कहेंगे डर में, डर में सबसे बड़ा शब्द रहता है, लोग क्या कहेंगे। अरे डर में शब्द होगा लोग क्या कहेंगे, पर डटे रहने में कोई संबोधन नहीं है। डटे रहने में यह है कि कितना निठल्ला हो गया, कितना वैसा हो गया, अरे कितना एकदम कठोर हो गया, डटा हुआ है, हट ही नहीं रहा, हटने कोई तैयार नहीं है। डर में जिंदगी नहीं जीना। आप किसी ने आपको डरा दिया कि बेलपत्री मत खाओ, किसी ने कह दिया शहद मत लगाओ, किसी ने कह दिया ये मत करो, किसी ने कह दिया वो मत करो, किसी ने कह दिया, हम डर गए, हमारे भीतर डर उत्पन्न हो गया। किसी ने कह दिया 16 सोमवार के व्रत अभी मत लेना, तो उसने कह दिया शिवरात्रि अभी मत करना, तो किसी ने कह दिया पशुपतिनाथ मत करना, तुम्हें डराया जा रहा। कभी कोई डराने आ जाता है, कभी कोई डराने आ जाता है, कभी कह देते हैं, कभी लगता है कि सोमवार को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रूठ जाएगा, फिर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊंगा तो हनुमान जी रूठ जाएगा, फिर बुधवार को गणेश जी के यहाँ नहीं जाऊंगा तो गणेश जी रूठ जाएगा, गुरुवार को अगर मैं गुरु महाराज के नहीं जाऊंगा तो गुरु जी महाराज रूठ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता के नहीं जाऊंगा तो संतोषी माता रूठ जाएगी, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ तेल नहीं चढ़ाऊंगा तो शनि महाराज रूठ जाएंगे, रविवार को सूर्यनारायण को अर्घ नहीं दूंगा तो सूर्यनारायण रूठ जाएंगे। पूरे 7 दिन तुम
डर 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 की जिंदगी जी ली है और वो डर की जिंदगी में तुम उन्नति नहीं कर पाए। जिस दिन तुमने सोच लिया एक पकड़ूंगा शंकर जी का मंदिर और एक लोटा जल, डटे रहो। जिस दिन तुमने सोच लिया कि अब मैं डरने वाला नहीं, अब डटे रहने वाला हूं। डटे रहना मतलब एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाऊंगा, रोज जाऊंगा, 5 मिनट जाऊंगा, 2 मिनट जाऊंगा, पर डटे रहूंगा, रोज जाऊंगा 5 मिनट के लिए। अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। कोई कहते कि तुम गणेश जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, मंगलवार को हनुमान जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, बुधवार को तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए ऐसा हो गया, शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हो गया, गुरुवार को तुम वहां नहीं गए इसलिए, पूरा एक हफ्ता तुम्हारा डर 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 में निकल गया। जिस दिन तुम सोच लेते कि अब मेरा शंकर मेरे साथ में है, एक लोटा जल जब चढ़ाते हैं शंकर जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डट कर काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्यों डर रहे हैं? और डराने वाले तुमको डराने में लगे हैं, डराने वाले तुम्हें डराने में लगे हैं। तो मान ही गया था ना, तूने वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया, तूने वहां पर ऐसा नहीं करा, तूने तेल नहीं चढ़ाया, तूने नमक नहीं चढ़ाया, तो तूने ये नहीं चढ़ाया, वो डर रहे। पत्रिका में सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जितनी कथा चलती उस सबके पत्र यहाँ पर पहले से मौजूद हो जाते हैं, न जाने शिव जी की ऐसी कैसी कृपा। एक पत्र, बच्चे ने लिखा है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा आप भी दिखाइए, थोड़ी मेहनत हाथ की बाकी कृपा भोले नाथ की। ठीक है, अब पत्र है, सुभद्रा साव, पति अनिल साव, निवासी गांधीनगर राजनंद गांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो कहाँ हिला सकते, कहीं बैठे हो। सुभद्रा साव, पति अनिल साव, निवासी गांधीनगर राजनंद गांव, कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। उतरोगे कैसे? अच्छा ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र लिया, आ जाइए दोनों, आ जाओ दोनों, आ जाओ। गुरुजी आप कथा कहते हैं ना, तो वो कथा नहीं रहती, हमारे दिल में विश्वास रहता। चाहे 3 दिन की कथा हो, चाहे 5 दिन की कथा हो, पर आपकी कथा में विश्वास बहुत मिलता। गुरुदेव, राजनंद गांव में मेरा पुत्र शशांक साहू 2018 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण कर चुका था। 2018 में जब उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई थी, एक बार दो बार कई बार उसने एग्जाम दिया 2018 से, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। तब आपने छुरिया में कथा करी 2022 में, हम उसमें सम्मिलित हो गए। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, अपने बेटे से कहा कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर की आराधना करो, और बेटे ने विश्वास जागृत कर भरोसा जागृत कर शंकर के चरणों में डटा रहा। अब देखो डर में और डटे रहने में यही अंतर है, डटा रहा, डरा नहीं। कई जगह पर पत्रिका दिखाई, कोई कहता था ये सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कोई कहता है कि ये जॉब नहीं कर सकता, तुमने इसको गलत पढ़ा दिया, तुम इसको नौकरी मत कराओ, इसको दुकान धंधा खुलवा दो, जितनों से पूछा सभी ने ये कहा, पर आपकी कथा ने विश्वास दे दिया कि अगर भगवान शंकर पर भरोसा है तो वो जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा जरूर। अब बेटे ने भी सोचा, एक तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया 18 में, और जब से मेरी जॉब भी नहीं लग रही, इससे तो अच्छा है कि मैं दुकान खोल लूं। हमने अपने बेटे से पूछा तू क्या चाहता है, तो क्या मां मैं इंजीनियर बना हूं, तो मैं भी नौकरी चाहता हूं, तो तू शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा, शंकर का भजन कर। कावड़ यात्रा सीहोर की करी, बाबा को जल चढ़ाया, विनती करी, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है उस एग्जाम को पास किया, और 126 रैंक से आगे आकर मेरा बेटा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने,
आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर मेरा बेटा सिलेक्ट हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। क्या कुबेरेश्वर महादेव इतनी जल्दी सुन लेता है? शिव तत्व होना चाहिए। एक बार ताली बजाकर उत्साहवर्धन। आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने उसको बिठाया। आपका विश्वास प्रबल। लिखा उन्होंने, हमने जिससे पूछा वो कहता है कि इसके भाग्य नहीं है, बहुत मिलेंगे डराने वाले। ये वाला दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई के वास्तु दोष लग गया, कोई के ये दोष लग गया, कोई के वो दोष लग गया। दोष लगा नहीं है, दोष हमने अपने दिल से लगा लिया। अगर जिस दिन हम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहते और डटे रहते तो मेरा बाबा तुम्हारा डर अंदर से निकाल देता। और जैसे इस बेटे ने हिम्मत करी और बीच में सोच लिया था कि 18 से लगा हूं, नौकरी लग नहीं रही तो दुकान खोल लो, पर विश्वास जग गया उस बच्चे को, भरोसा जागृत हो गया इस बेटे का। और आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने बिठा। उसकी मेहनत, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आप अपनी मेहनत तो पूरी करो। सीहोर वाले महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि बेलपत्री पर शहर लगा दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। सीहोर वाले महाराज ने उसको बहुत अच्छे ढंग से कहा कि आप अपनी पूरी मेहनत करो, चार गुनी मेहनत करो, फिर एक बेलपत्री पर शहर लगाकर शिव को समर्पित करो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो ही जाएगा। अब लोग उसको काट कर चला दें कि बेलपत्र पर शहर लगाकर चढ़ाओ कार्य, तो आधा सुनने से पहले पूर्ण सुनो। पूर्ण सुनना जरूरी है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी एकाग्रता, हमारा विश्वास हमको हमारी मंजिल तक लेकर चले जाते। डर में जियोगे ना तो सब डराएंगे, डर में जियो सब डराएंगे। साहब कहां संबंध पक्का करा तुम्हारे लड़के का? अरे हमने तो यही कहा पक्का करा, अरे यहीं यहीं पास में, हमने तो नजदीक में पक्का करा है रायपुर में। अच्छा लड़की तुमने देखी, उसके पिताजी से बात तुमने करी, सब संबंध तुमने पक्का करा। संबंध जब पक्का हो गया उसके बाद डराने वाले अब तुम्हारे पास आएंगे? अच्छा नहीं है, बहुत बेकार लड़की है, उसकी माँ तो इतनी गुस्से वाली, पूछो ना। जब माँ इतनी गुस्से वाली है तो बेटी कितनी गुस्से वाली होगी। अब किसको, या तो डर कर संबंध कैंसिल कर दो या फिर डटे रहो। मैंने पसंद करी है और मेरी बेटी में, मेरी बहू में कोई दोष नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू को अपने रंग में ढालना जानती हूं, मेरी बहू गलत नहीं हो सकती। ये अपने भीतर का भाव। एक लड़की को एक सास के प्रति लोग भड़का देते हैं, डरा देते हैं, तेरी सास ऐसी है, तेरी सास वैसी है, सास में लक्षण नहीं है, वो तो सब जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती है, दूसरे को देती जाती है, अपनी लड़कियों को भरती जाती है, अपनी बड़ी बहू को दे देगी, तेरे को कुछ नहीं देगी। डरा रहे हैं, बहू को डरा रहे हैं, सास को डराते हैं, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है। वो मालूम है जाती है तो बहुत सारा बेग भर कर ले जाती है, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, उसका पति इतना सामान दिला देता है वो सब लेकर चली जाती है, सारा मायके में दे देती है। लोग डरा रहे हैं, सास को बहू के प्रति डराया जा रहा है, बहू को सास के प्रति डराया जा रहा है, भाई को भाई के प्रति डराया जा रहा है, बाप के प्रति बेटे को और बेटे के प्रति बाप को डराया जा रहा है। डर डर के हमने पूरे घर का सत्यानाश मिला लिया। जिस दिन आप अपने दिल से पक्के हो जाते कि मेरी बहू बेकार नहीं है, मेरी सास बेकार नहीं है, मेरा भाई बेकार नहीं, मेरा परिवार बेकार नहीं, ये समय का चक्र बेकार है, ये तो अच्छे अच्छे को पलट देता है, तो मैं किसी को दोष क्यों दूं? हम क्यों किसी को दोष दें?
ये कथा यहां राजनांदगांव में नहीं होती, वो तो ये कथा जा रही थी झारखंड जमशेदपुर में, ये कथा जा रही थी और वहां भी हॉल के अंदर ही होने वाली थी। पर ये दिनेश साहू जी वहाँ बाबा धाम यात्रा कर कर आए थे, कावड़ चढ़ा कर सीधे वहाँ मिलने आ गए और उन्होंने कहा नहीं कथा हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपके मुख से निकला है कि पूरा सावन तीन कथा छत्तीसगढ़ की है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ से आप बाहर नहीं जा सकते, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सकते, आप कथा भले छोटे से रूप में यहीं करो। और फिर इन्होंने यादव जी को बोला, मधुसूदन यादव जी को, उन्होंने और इन्होंने दोनों ने फिर ये हॉल करा राजनांदगांव में, कहीं राजनांदगांव वालों के भाग्य थे और यजमानों की कोई किस्मत में इन लोगों ने वसीयत करा के लेके आए थे ठप्पा लगवा कर। तो और उसमें आप सबका सहयोग मिला, आप सबका सहयोग, आपका एक अंश मात्र भी इसमें सहयोग है तो ये कथा सफल है। कहीं कृपा नहीं थी, ये कथा झारखंड पहुंच चुकी थी, फिर वो आखिरी में ये कथा आया। डटे रहे, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा। अगर राजनांदगांव में व्यवस्था नहीं होगी तो छुरिया में होगी, हमारे हॉल में करा लेंगे घर के, पर कथा छत्तीसगढ़ में ही होगी। डटे रहे तो आज कथा का चौथा दिन हो गया, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी, 11 बजे कथा विराम कर कर हम अपने घर चले जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओगे, फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक फिर टीवी पर आ जाएगी, 5 दिवसीय कथा पूर्ण हो जाएगी। शिव तत्व की प्राप्ति आपका विश्वास है, शंकर की प्राप्ति आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। डर कर जिंदगी नहीं जीना, कैसे जिंदगी जीना है बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, डट के जिंदगी जीना। अगर एक काम कर रहे हो तो डट के करिए, डट डट के जिंदगी जी, और डटे रहोगे तो दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको नीचे गिरा दे, दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है आपके डटे रहने में कि वो आपको नीचे गिरा दे, आप डटे तो रहो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी में दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती जी डटी रही, आए डराने वाले, इस वन में तुम छोटी सी कन्या हो तब करोगी, कोई हिंसक पशु खा जाएगा नहीं, बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, पर डटी रही। जब एक माँ सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। डर कर कोई व्रत नहीं करना। आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ, क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं, ना हमने नरक देखा ना हमने स्वर्ग देखा, जो देखा वो बता रहे, तो हम कैसे कह दें कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे। कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया कि शंकर जी को अगर ऐसी बेलपत्ती चढ़ गई तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना, सवेरे से उठ के दिमाग खराब,
मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसीलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसीलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हुआ जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोज आ जाएगा, सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को यह मत चढ़ा, शिवरात्रि को यह मत चढ़ाना, अष्टमी को यह मत चढ़ाना, तो नवमी को यह मत चढ़ाना, पहले ही डरा दिया जाता है कि यह मत चढ़ाना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता, एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, इतना उसने सीख लिया। उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया, वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया, उसके पास पानी चढ़ाने के लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था, मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं, दुनिया के लोग YouTube पे देखते हैं ये मत चढ़ाना, शंकर जी को ऐसा मत चढ़ाना नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना कोई बात नहीं, कौन है वो अपना बाप, एक बाप के दो बेटे, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो, जित पे अड़ गया। बाप ने तीन हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए जिसने उसको बर्बाद कर दिया, बर्बाद। दो साल में 2 करोड़ समाप्त, रोने लगा क्या करूं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं, घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया कुछ भी हो एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो, दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल पैदल गांव चले गए, पत्नी बच्चों को लेकर, बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है, खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली, बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था और पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया और तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर होता। बाप गलतियों को क्षमा कर देता है और हम डर के जिंदगी जी रहे हैं, मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे, किसी ने कह दिया ऐसा चढ़ा दिया इसलिए लोग डरा रहे हैं, तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डट कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवाधिदेव महादेव है, अगर शंकर को बाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना, सुबह से बहू ने सबसे पहले वो ही खोल के देखा, आदत भी होती है ना, जहां लिखा रहता है ना, जहां लिखा होता है ना, यहां बाथरूम करना मना है, जहां लिखा होता है यहां थूकना मना है वहीं थूकते, जहां लिखा होता है यहां से जाना मना है वहीं से घुसना चाहते, लिखा है
और जाना वहीं से, आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे ही लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा, नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा, उसने सबसे पहले वही सर्च करा। अब तो घूम ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, ऐसे ही सब घूम रही है नेटवर्क उसका। फिर उसने टच करा, जब तक पढ़ नहीं लेगी ना, जब तक उसमें लगी। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा, और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसमें ऐसा लिखा था, मैं क्या करूं, क्या करूं। पूरा दिन उसका खराब हो गया, पूरा डर गई। अब बच्चों को भी डरा रही है, सहेली को भी डरा रही है, पति को भी डरा रही है, अब अकेली डरी तो सबको डराएगी, सबको, सबको डरा रही। शिव की आराधना करने वाले को कभी नहीं डरना चाहिए। कोई कहता है सुबह पूजन करें कि दोपहर में पूजन करें कि शाम को पूजन करें कि रात को पूजन करें, तुम कब फ्री, तुम्हारा मन कब कह रहा है। शंकर के मंदिर में गेट होंगे चलेगा, शंकर भगवान जहां रहते हैं कैलाश पर, उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। भगवान शंकर के दरवाजे पर गेट का कोई काम नहीं है, ये तो मंदिर में अब दरवाजे लगने लगे, नहीं तो शंकर भगवान तो पेड़ के नीचे होटले पर ऐसे बैठे रहते थे। ये तो मंदिर अब बन गए, दरवाजे अब लग गए, परंतु पहले तो शंकर भगवान ऐसे होटले पर उनका शिवलिंग रखा होता था, और पेड़ के नीचे आराम से बैठे अल्लाह, जब तू फ्री हो जाए तेरे घर से आ जाना, मैं अकेला बैठा हूं, जब तेरा मन हो तब आ जाइए। अपने घर की माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग, अपने घर के बुजुर्ग माता पिता का, सास ससुर का कमरा कभी बंद नहीं होता, सास ससुर का कमरा खुला रहता है। कब पोते ने आवाज लगा दी, कब बहू ने आवाज लगा दी, कब बेटे ने आवाज लगा दी, तुरंत माँ बाप का कमरा खुला हुआ होता है, तुरंत आते हैं, तुरंत। परमात्मा का दरवाजा खुला है, लोगों ने डरा दिया ऐसा मत करना, नहीं, भगवान शंकर का सुबह पूजन करूं कि शाम को करूं कि दोपहर में करूं कि रात को करूं, तुम्हारा मन पड़ जाए जब पुकारो। भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई स्थान नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पूछो। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। ब्याह करने का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। बच्चे के जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। पर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद मुहूर्त है, खुद मुहूर्त है। कहां बैठकर हम भगवान शंकर को भजें, कहां, कौन सी जगह शंकर जी को भजने के लिए अच्छी होती है, कौन सी जगह। शिव पुराण कहती है वो तो मसान में भी रहता है। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, उनके ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट दिलवाया तो शमशान में दिलवाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा विद्वान कहीं नहीं होगा, मेरे ससुर ने कितनी ऊंची सोची, मेरा स्थान दिया तो शमशान में दिया, क्योंकि मेरे ससुर को मालूम था आजकल लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा ज्यादा करते हैं, इसलिए शंकर जी ने कह दिया तू शमशान में रहेगा तो शमशान में कोई कब्जा नहीं करेगा। एक ही जगह है जहां कोई कब्जा नहीं करता, शमशान। वो इतनी बड़ी जो जगह होती है टीन सेट लगी हुई, बस उतनी जगह शमशान की, शमशान के आसपास में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, पर जो जो जहां मुर्दा जलता है ना उतनी जगह पे तो कोई कब्जा नहीं करता। वो शंकर जी कहते मेरे लिए अच्छी जगह है, सबसे जोरदार वहीं बैठा हूं। अब कोई लोग कहते कि तुम ऐसी जगह पर भजन कर रहे, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठकर भज रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठ गए, तुम्हें अक्ल नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग अगर आए हो गए, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे हो गए, सीहोर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं, जगह जगह।
लोग कहते कैसे मूर्ख है, हर कहीं बैठ गए, इनमें अक्ल नहीं है, कोई जूता पहन कर जा रहा है, कोई चप्पल पहन कर जा रहा है, कोई कुछ पहन कर जा रहा है, इनमें अक्ल नहीं है, हर कहीं बैठ गए, हर कहीं पूजन कर ली। जरा विचार करना, शिवपुराण की कथा कर रही है कि जहां दिल करा वहां महादेव है, और जैसा भजा तहां महादेव है। कितना सुंदर संवाद है। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, बहुत जोरदार पैसा था, और सेठ जी बहुत अच्छे थे, बहुत धनपति थे, आप लोगों जैसे ही थे, बहुत जोरदार, अच्छा धन मन सब जोरदार था, खूब जोरदार कामकाज था सेठ जी का। पर सेठ जी का एक नियम पक्का था, शंकर जी का भजन बहुत करते थे, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, अंदर से भजन, दिल से भजें, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना करें। धीरे 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 सेठ जी ने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया, काम पर ध्यान देना बंद करा और भगवान शंकर पे ध्यान देना ज्यादा कर दिया। पत्नी नाराज, बेटे नाराज, बहुएं नाराज, परिवार नाराज, हमारे ससुर को क्या हो गया, इनकी बुद्धि फिर गई, सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गया, बुद्धि फिर गई, शिव 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 भज रहा। सेठ जी ने दुकान बंद कर दी, काम धंधा बंद, परिवार टेंशन। सेठ जी अब तो भगवान की शंकर की भक्ति में लग गए है दिल से। परिवार वाले बहुत नाराज हुए, 8 महीने हो गए और 1 रुपया कमाया नहीं ये सेठ ने, 1 रुपया भी। परिवार वाले नाराज हो गए, पत्नी खूब रोई, खूब रोई, घर के लोग खूब रोए। तो सेठ जी ने सोचा अब करूं क्या, और पत्नी बोल रही है धंधा पानी तो करना पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सेठ जी ने सोचा अब इसका कहना नहीं मानूंगा तो ये कल से मुझे रोटी नहीं देगी, एक काम करता हूं दुकान भी ऐसी जगह खोलूंगा जिस गली में कोई नहीं आएगा, जहां कोई आए नहीं ऐसी जगह दुकान खोलूंगा, नहीं आएंगे ग्राहक जब तक जम के बोलो भजन होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अब सेठ जी ने दुकान ऐसी गली में खोली, ऐसी गली में खोली जहां पक्षी भी ना जावे। गांव के लोगों को मालूम पड़ गया सेठ जी ने उस गली में दुकान खोली है, और सेठ जी इतना ईमानदार है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं ले, जित्ता का जित्ता और माल भी पूरा तोल के दे। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया कि दुकान वो गली में है, वो गली में। कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े शोरूम पड़े के पड़े रह जाते हैं और एक छोटी सी दुकान उसमें भीड़ लगी रहती है, हो सकता है अपना अपना भाग। सेठ जी ने दुकान खोली है, चलो वहां चलते हैं। सारे गांव के लोग, पहले तो कोई नहीं गया, जैसे जैसे मालूम पड़ता गया, पहले कोई नहीं जाता था, सेठ जी बड़े मस्त बड़े आनंद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मालूम पड़े भीड़ इतनी पड़ने लगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, सेठ जी की 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिले तो भजन हो ही नहीं, भजन गाए। सेठ जी मन में सोचे थे धिक्कार, बड़ी सोच के तो मैंने दुकान खोली थी पर ये दुकान तो यहाँ भी चल गई, अब उनको कौन समझाए ये दुकान चलाने वाला तू नहीं है, दुकान चलाने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। तो चला सेठ जी ने सोचा मेरा वजन टूट गया, मेरा वजन रह गया, अब करूं क्या मैं भगवान, अब मैं करूं क्या। सेठ जी विचार में पड़ गए, वो रात्रि को 10 बजे अपने घर के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा घर पर जाऊंगा फिर पत्नी प्राण खाएगी, इससे अच्छा है कहीं ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मेरा भजन हो जाए। मैं दुकान के बाहर बैठूंगा तो ये दुकान खोल के सामान देना पड़ेगा, बाहर बैठूंगा तो लोगों से राम राम करना पड़ेगा, ओटले पे बैठूंगा तो लोग राम राम करेंगे, एक काम करता हूं डब्बा उठाता हूं नल्ले के किनारे जाता हूं। डब्बा उठाया, सोच कर्म के लिए चले गए, और सेठ जी सोच कर्म के लिए डब्बा लेके बैठ गए। अब तो वहां पे बैठ के नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहा है सेठ जी, भज रहा है। 2 बजे रात को सेठ जी घर पहुंचे, जो रोटी मिली रखी हुई वो खा ली, सो गए। सेठ जी ने सोच लिया इससे जोरदार स्थान नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, एकदम शांति से भजन होता है। अब तो सेठ जी ने नियम बना लिया, एक दिन
शंकर भगवान का गण वीरभद्र वहां से निकल कर जा रहा था शिवजी का द्वारपाल। अब शिवजी का द्वारपाल वीरभद्र निकल कर जा रहा था और वीरभद्र ने देखा रात के 1:30 बजे कौन शंकर जी को भज रहा है रात के 1:30 बजे। उसने जो जाकर देखा तो पृथ्वी पर नाले के किनारे डब्बा लेकर बैठा और बताओ सोच कर्म करते करते शंकर को भज रहा। वीरभद्र को आ गई गुस्सा, उसने उठाया गदा और गदा उठा के जो पीठ में दिया और देके एक लात मारी जम के। जो लात मारी सेठ जी के कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। इसको लगा बताओ मैंने लात मारी और इसका काम इस गिरा नहीं। वीरभद्र ने नंदी को याद करा, नंदीश्वर आओ मुझ में समाओ, आज तुम्हारी जरूरत है। षडानंद कार्तिकेय आओ मुझ में समाओ, गणेश जी आओ मुझ में समाओ, सारे देवताओं को अपने में समाहित कर फिर लात मारी। कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो डब्बा भी वही है और सेठ जी भी वही है, कोई फर्क नहीं। ना डब्बा ढुला सेठ जी ढुले बैठे, गदा से मारे तो भी फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं। वीरभद्र को याद आया इसके चक्कर में पड़ गया, इसको तो बाल भी बांका नहीं हो रहा और मेरे भगवान शंकर के दरवाजे पे मुझे पहुंचना, भगवान विश्राम करेंगे। दौड़ा वीरभद्र जल्दी से कैलाश पर। जो वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया द्वारपाल बनकर, इतने में शंकर जी आ रहे थे कांकते कांकते, भगवान शंकर जी। पार्वती जी उनका हाथ पकड़ी थी लेकर अंदर जा रही थी। वीरभद्र ने पूछा प्रभु आज आपकी यह हालत कैसे हो गई। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, तूने ही करी है, व्यर्थ की बात बिल्कुल मत कर, तूने ही करी है। मैंने कब कर दी प्रभु, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं आपके चरणों का दास, और आप कह रहे हो कि मैंने आपको ऐसी दशा कर दी। तूने ही मारा है गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको इकट्ठा अपने अंदर कर लिया, लात पे लात मारी, गदा पे गदा मारी, मैंने कहा मारा। शंकर जी बोले वो सेठ जी रात्रि को सोच कर्म करने बैठा था, बोल मारा कि नहीं मारा। तो वो तो गलत सोच कर्म करते करते तुम्हारा नाम जप रहा था इसलिए मैंने उसको मारा। शंकर भगवान बोले वो कुछ भी कर रहा था मुझे दिल से याद कर रहा था, मैं समय नहीं देखता और स्थान नहीं देखता, जो मुझे जहां पुकारता है मैं उसी समय वहां चले जाता हूं, इसलिए वो मार मुझे पड़ी, वो मार मुझे पड़ी है। दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं, यहां बैठ के राम मत बोलना, यहां बैठ के शंकर मत बोलना, यहां बैठ के ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तीर्थ में आए हो तो ये मत करना, वो मत करना, सब डराने में लगे हुए। तूने ऐसा कर दिया, तूने जल ऐसा चढ़ा दिया, तूने वैसा चढ़ा दिया, नहीं, दिल से पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, जहां पुकारोगे, जब पुकारोगे, तुम्हें शिव उस जगह पर मिल जाएगा। आप पुकार कर देखो, जहां जैसे जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए तब, तुम्हारा मन करे तब, तुम्हारी मर्जी पड़े तब पुकारो उसको, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। क्या शंकर जी का भजन फिर सुबेरे से वो यूट्यूब पर लिखा हुआ आ गया, ये मत चढ़ाना नहीं तो निपट गए। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं डर बताया कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे, और हमें अगर कोई का बोलता भी है ना कि नरक स्वर्ग की बात करता है तो हम उससे बोलते तू घूम के आया, तू गया था ऊपर, जो मर के गए वो आज तक नहीं आए बताने के लिए कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। भय से डर से शंकर को मत भजना, इसलिए व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि तुम शंकर को नहीं भजोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस व्यासपीठ ने ये जरूर कहा कि शिव को अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। भय नहीं दिखाया, भय से मुक्त है शिवपुराण, शिवपुराण भय से मुक्त है, शिवपुराण भय नहीं दिखा। शिव महापुराण भय से मुक्त है, शिवपुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें भय दिखाया जाए। फिर निवेदन है
डर के रहना और जम के जम के जम के। ऊपर वाले भी बोलो, डटे रहना। डरोगे तो नहीं, बोलो बोलो जम के। कुछ भी हो डटे रहो। हमने जल चढ़ाया है ना, अच्छा कोई तुमसे कह दे कि चढ़ी हुई बेलपत्र, डराएंगे लोग तुमसे, कहेंगे ऐसा मत कर, क्यों सुन तू, क्यों डरा, डर नहीं। और शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे दुख काटो, दया करी दर्शन। तुम्हारा डटे रहने पर भगवान शिव की अविरल भक्ति तुम्हें मिल सकती है। तुम्हारे डटे रहने सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा लेना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा लेना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। हो पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे
माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं। महादेव कहे सुनो पार्वती, माथे पे चंदा लगा देना, महादेव कहे सुनो पार्वती, माथे पे चंदा लगा देना, महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, 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 एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा पार्वती, मुझे कानों में पिच्छू पिना देना, महादेव कहे सुनो पार्वती, मुझे कानों में पिच्छू सजा देना, महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, 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 ओ महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना।
मेरे गले में माला सुहाती नहीं मुझे 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 गले में गजरा सुहाता 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 नहीं महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे गले में साफ पहना देना महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे गले में महादेव कहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना महादेव कहे सुनो पार्वती जल ही चढ़ा देना एक लोटा 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 जल ही चढ़ा देना ओ महादेव काहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा महादेव काहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना ओ महादेव काहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना महादेव काहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना एक लोटा जल ही चढ़ा एक लोटा जल ही चढ़ा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे बाबा से विनय करेंगे निवेदन करेंगे जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से बाबा को नमन करते हुए दिल से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ प्रार्थना करिए। आज सोमवार भी है सावन का महीना भी है और शिव महापुराण भी है। दिल से बोलिएगा। कहते हैं कथा का जिस दिन विराम होता है उसके एक दिन पहले की रात्रि को हम शिवरात्रि कहते हैं। तो देखा जाए तो शिव महापुराण की आज शिवरात्रि भी मानकर कल सुबेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे टीवी पर वही टाइम आएगा पर यहाँ सुबह 8 से 11 दिल से बाबा को नमन कर प्रार्थना करिए बाबा से बोलिए Oh,
कर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, बोला सब दुख काटो हमारा, ओ बोला सब दुख काटो मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदत्त महादेव भगवान शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व कह रहा, कहीं पर भी बैठकर बोलो, कैसे भी बोलो और कैसे भी सेवा करो, शिव नाराज नहीं होते। तैतीस कोटि देवता शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान, चौसठ योगनियां देवियां सब शिवलिंग के साथ में विराजमान, सब कुछ वही है। कोई कहे तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, डर दिखाए, डरना नहीं है, बाबा के भरोसे चल। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बबन का नारा है, हम उसके आश्रित होकर चले। और हम फिर निवेदन करेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक नया रायपुर खरखराड़िया में सुंदर शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवस तक चलेगी, सावन की आखिरी कथा रहेगी विराम। जो रह गए वंचित वो वहां सुनेंगे 5 दिन रहकर। 17 तारीख को बाबा की कांवड़ भरेगी, उसमें भय नहीं है, आप अपने दिल से बाबा को पुकारिए, भय से नहीं, डर से, डर से दूर रहो और शंकर के चरणों में डटे रहो। कोई तुमसे कितना भी डर दिखाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना ना ना, हम बाबा के भक्त हैं, शंकर का भक्त कभी डरता नहीं। राम जी ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा है, रावण युद्ध लड़ने के लिए सामने आया है, छल कर रहा है, छल से गायब हो रहा है, पर पीठ दिखाकर भागा नहीं है, डटा रहा। रावण नहीं भागा, रावण वहीं की वहीं डटा रहा, डरा नहीं है। रावण को मालूम था कि ये सामने जो खड़े हैं भगवान नारायण है और मेरे प्राण हर लेंगे। रावण को मालूम है कि मेरे प्राण इनके हाथ से जाना है। रावण को मालूम है कि मेरी पूरी लंका जलकर भस्म हो जाएगी। रावण को सब कुछ मालूम था, पर डटा रहा, डटा रहा, डटे रहो। और जब हम डटे रहे हैं भगवान शंकर की विरल भक्ति में, जैसे पार्वती मैया डटी रही, कितना बल माता पार्वती में, पार्वती जी को समझाया, उपदेश दिए, पिताजी ने समझाया, माता जी ने समझाया, नहीं है ठीक कि शिव तो ठेरे कैलाशी और गोरा पछताओ होगी, बूढ़े चोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। पार्वती जी तुम्हारे जन्म की तारीख मालूम है, पार्वती जी तुम्हारे जन्म का
वृतांत मालूम है, पार्वती जी नारायण भगवान के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी ब्रह्मा जी के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्र के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्राणी के जन्म का वृतांत मालूम है, लक्ष्मी के जन्म का वृतांत मालूम है, सरस्वती के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती के जन्म का वृतांत मालूम है, पर पार्वती शंकर के जन्म का कोई वृतांत नहीं मालूम, क्योंकि शंकर अजन्मा है। कितने साल का है हमको भी नहीं मालूम। कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। और छत्तीसगढ़ वालों को तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे यहां तो एक महादेव है, बूढ़ा महादेव। बोलो तो सरी, क्या बोलते हैं? जम के जरा, बूढ़ा महादेव। तुम्हारे यहां तो महादेव है बूढ़ा महादेव, मतलब उम्र ही नहीं मालूम कितनी है, और अभी तक है अजन्मा, जो मृत्यु से परे है, मृत्यु से परे वो अजन्मा है और निवास कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि उसकी जन्म कहां, कैसी लीला वो करता है, कब लीला करता है, किस तरह से करता है, ये किसी को ज्ञात नहीं हो पाता। किसी को गया, यहां एक यजमान परिवार ने पत्र दिया है श्री संतोष जी पिल्ले जी ने। संतोष जी कहां है? आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने लिखा कि गुरुदेव शिव शिव है, हमारे राजनंद गांव में धार्मिक आयोजन बहुत होते हैं और हमारा राजनंद गांव धार्मिकता में अग्रण्य रहता है, और गुरुदेव हम 2022 में कथा लेने के लिए सीहोर गए भी थे, पर 24 तक पूरी बुकिंग थी इसलिए कथा मिल नहीं पाई थी, पर हम उस समय अपने पिताजी के उससे आपके वहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक रूम भी बनवाए हैं और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य भी रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही पाए, कथा नहीं मिली हमको, पर कहीं ना कहीं हमारी देव अधिदेव महादेव से हम कुबेरेश्वर धाम में प्रार्थना कर कर जो आए थे ना, तो बाबा ने स्वीकार कर कर हमको यजमान बना ही दिया। ये शिव भक्ति है। पार्षद भी आप, बधाई आपको, बहुत बहुत साधुता, बहुत बहुत साधु। ये शिव भक्ति है, ओघड़ भक्ति, अड़भंग शंकर की भक्ति, अभिनंदन। शिव कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कितना डराएंगे लोग, पार्वती जी को डराया, लड़का अच्छा नहीं है, वर अच्छा नहीं है, पर नहीं 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 मैं डरूं नहीं, डटी रही, शिव को रिझाती रही, भगवान शंकर का गुणगान गाती रही, शंकर का स्मरण करती रही, बालू का शिवलिंग बनाना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, शिव तत्व को जानना। भगवान शंकर की विरल भक्ति में इतनी डूब गई कि आखिरी में देव अधिदेव महादेव कामदेव को भस्म कर कर पार्वती जी के साथ विवाह कर ही लेते। अब किसी ने पूछा कि विवाह तो सती के साथ भी हुआ था, विवाह उमा के साथ भी हुआ था, विवाह कात्यायनी के साथ भी हुआ, विवाह कुष्मांडा के साथ भी हुआ, विवाह स्कंदा के साथ भी हुआ, विवाह महागौरी के साथ भी हुआ। भगवान की इतनी माताओं के साथ में, भगवान शंकर की पार्वती जी के जो और भी नाम है उनके साथ में विवाह हुआ, फिर पार्वती आखिरी विवाह कैसे? पार्वती के बाद में शंकर जी की कोई दूसरी अर्धांगिनी नहीं, केवल पार्वती। आखिरी माता पार्वती विराम पर रही है, उसके बाद में कोई भगवान शिव की फिर अगली विवाह का वर्णन नहीं आया, पार्वती के बाद कोई विवाह का वर्णन। कारण क्या था? स्वयं माता पार्वती जी ने एक बार देवाधिदेव महादेव से, स्वयं माता पार्वती जी ने काशी की पवित्र धरा पर जाकर पूछ लिया, गंगा के घाट पर शिव जी से, बाबा नंदी पर लेकर पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए निकले हैं, काशी भ्रमण। ऐसा ही श्रावण का सोमवार था,
पार्वती जी को लेकर मेरे देवदिद महादेव भ्रमण के लिए निकले हुए थे ऐसे ही। इसलिए आज भी कई क्षेत्रों में, कई तीर्थों में, कई ज्योतिर्लिंगों में, कई जगह पर सावन के महीने की सोमवारी के दिन बाबा घूमने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पर कई जगह पर उज्जैन में निकलते हैं, काशी में निकलते हैं, ओंकारेश्वर निकलते हैं, यहाँ पर भी निकलते हैं। हाँ, तो कई जगह पर सावन की सोमवारी के दिन बाबा पालकी में निकलते हैं, हमारे शहर सीहोर में भी निकलते हैं। तो ऐसा बाबा निकलते हैं। कोई पूछे कि ये प्रथा कहाँ से चालू हुई, तो आप कह सकते हो कि सावन के सोमवारी के दिन बाबा देवदिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर काशी गए थे भ्रमण के लिए। नंदनवन में माता पार्वती को लेकर पहुंचे थे और नंदनवन में बैठकर पार्वती जी ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न का स्वरूप है, प्रश्न का स्वरूप पूछा मां पार्वती जी ने। कहा, बाबा सती का विवाह आपके साथ में हुआ, उमा का विवाह आपके साथ में हुआ, कात्यायनी का विवाह आपके साथ में हुआ, कुष्मांडा का विवाह आपके साथ में हुआ, स्कंदा का विवाह आपके साथ में हुआ, ये सारे विवाहों का क्रम है। बाबा आपसे पूछना है कि पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी कोई विवाह आपका रहेगा? शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये प्रसंग मैं तुझको यहां नहीं कहूंगा, चल। काशी से उठाया पार्वती जी को, नंदी पर बिठाकर सीधे पहुंच गए, सीधे गुफा के अंदर। इसलिए श्रावण के महीने में उस गुफा का दरवाजा आज भी खुलता है, जिसको अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। श्रावण के महीने में उस गुफा में ले गए पार्वती जी को, उठाया, काशी से पहुंचे अमरनाथ की गुफा। और भोलेनाथ सोना दो ऐसी कथा, जिसे सुन के मैं भी अमर हो लूं। बाबा ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी कह रहे, मैं तुझे लेकर इसलिए आया कि अब आगे तेरा कोई जन्म नहीं होगा। पार्वती तू कोयल भी बनी, तू कोयल बनी है, क्योंकि सती बनी थी जब तू यज्ञ के कुंड में कूद कर तू मर गई थी, तब तेरे प्राण यज्ञ के कुंड के अंदर तू छूटे, इसलिए मुझे क्रोध आ गया था कि सती तू मेरी अर्धांगनी होकर तूने यज्ञ खंडित कर दिया, इसलिए तू कोयल का जन्म पाएगी। सती के बाद तेरा एक जन्म हुआ कोयल का, और कोयल